हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेट ट्यूटोरियल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के इस क्लास में हम लोग फिर से हेलन केलर के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 15 से शुरुआत करेंगे। आफ्टर द सैड एपिसोड ऑफ द फ्रॉस्ट किंग, हेलन बिकेम वेरी सैड। इन ऑर्डर टू रिस्टोर हर कॉन्फिडेंस, मिस सुलिवन एनकरेज्ड हर टू राइट फॉर अ मैगजीन नेम्ड यूथ कंपेनियन। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 14 में पढ़ा था, हेलन केलर को बहुत ही खराब दिनों से गुजरना पड़ता है। उसकी इतनी बेइज्जती होती है कि उसको कोर्ट के सामने भी पेश होना पड़ता है, क्योंकि उसके द्वारा लिखी गई द फ्रॉस्ट किंग ऐसा लगा कि मिस कैनबी के द्वारा लिखी गई कहानी का कॉपी था। इसके साथ ही हेलन केलर पूरी तरह से टूट चुकी थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक फर्दर स्टेप्स इन राइटिंग, बट इन ऑर्डर टू रिस्टोर हर कॉन्फिडेंस, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए मिस सुलिवन उसको एनकरेज करती है कि वो लिखे, और वो लिखती है यूथ कंपेनियन के लिए। इन 1893 हेलन गॉट द चांस टू विजिट वॉशिंगटन, नायग्रा एंड द वर्ल्ड फेयर। 1893 में हेलन को बहुत अच्छा चांस मिलता है वॉशिंगटन, नायग्रा फॉल एंड वर्ल्ड फेयर को भ्रमण करने के लिए। शी वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, शी वेंट ऑल अराउंड टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज स्ट्रेंज लैंड। शी विजिटेड द वर्ल्ड फेयर विथ डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और इसकी सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी उनके साथ थे। He did not leave her. हालांकि उन्होंने फ्रॉस्ट किंग को लेकर के थोड़ा सा नाराज जरूर थे, परंतु वे उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। और इस तरह से डॉक्टर अलेक्जेंडर एंड मिस सुलिवन दोनों के दोनों उसके साथ जाते हैं एंड लर्नड मेनी थिंग्स अबाउट डिफरेंट कल्चर, मशीन्स एक्सेट्रा। और जब वर्ल्ड फेयर जाती है मिस्टर अलेक्जेंडर के साथ, तो उसे बहुत नई चीज सीखने को मिलती है। शी लर्नड अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, मशीन। शी ऑल्सो एग्जामिन द मॉडल ऑफ द सांता मेरिया, वन ऑफ द 3 शिप्स यूज्ड बाय कोलंबस। वहां से जाने के बाद वो सांता मेरिया का भी अनुभव लेती है। ये वन ऑफ द शिप था जो कि कोलंबस के द्वारा प्रयोग किया गया था। He had 3 ships and one of them was Santa Maria. Helen बहुत ही लकी थी कि उसका साथ डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मिला, और मिस सुलिवन सदैव उसके दिन रात रहती थी ताकि उसको किसी प्रकार की कष्ट न हो। तो इस तरह से हमने चैप्टर 15 में देखा कि मिस सुलिवन को वर्ल्ड टूर करने का भी मौका मिलता है। आते हैं चैप्टर 16 में। Chapter 16 tells us that Helen started learning various subjects in more organized manner. इसके पहले हेलन पूरी कोशिश कर रही थी सीखने के लिए, परंतु जैसे जैसे हेलन बड़ी होती जा रही थी वो और ऑर्गेनाइज होते जा रही थी। वो बहुत ही नियम कानून के अनुसार चलना शुरू कर दी। In her past she had studied histories of Greece, Rome and United States. हेलन को पढ़ना बहुत पसंद था। वो बहुत सारे चीजों का ज्ञान ले रखी थी। शी न्यू अ लिटिल फ्रेंच। बताइए, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसे 2 से 3 लैंग्वेज सीखने में परेशानी हो जाती है, परंतु अब फ्रेंच भी सीखना शुरू कर दी थी। नाउ शी बिगैन टू लर्न फ्रेंच ग्रामर। शी ऑल्सो इम्प्रूव्ड हर स्पीच बाय रीडिंग अलाउड टू मिस सुलिवन। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ना, ताकि अपनी गलतियों को खुद सुने और दूसरे लोग भी सुने। इससे क्या होता है, एक प्रकार की कॉन्फिडेंस आती है। शुरू में तो थोड़ी बहुत झिझक रहती है, परंतु धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाता है। शी वेंट टू पेंसिल्वानिया विथ मिस सुलिवन। देयर दे स्टेड विद द फैमिली ऑफ मिस्टर विलियम वेड। His neighbor Irons taught her Latin and mathematics. इसके बाद वो जाती है मिस्टर विलियम वेड के साथ रहने के लिए, और इसके जो पड़ोसी होते हैं Irons, they taught her Latin and mathematics.
जैसा कि हम जानते हैं, हेलन को मैथमेटिक्स समझने में परेशानी होती थी, फिगर समझना बहुत मुश्किल होता था, फिर भी कोशिश कर रहे थे कि उसे मैथमेटिक्स सिखाया जाए, हालांकि वो मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं रखती है। इस तरह से हमने चैप्टर 16 को देखा कि हाउ शी स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। शी लर्नड हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, रोम एंड यूनाइटेड स्टेट। शी लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 17 को पढ़ेंगे। इन चैप्टर 17 वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ शी स्पेंड हर समर। इन द समर ऑफ 1894 हेलन अटेंडेड द मीटिंग और चौठाका ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन। उसे मौका मिलता है अमेरिकन एसोसिएशन के मीटिंग में बैठने का। द मीटिंग वॉज हेल्ड टू प्रमोट टीचिंग ऑफ स्पीच टू द डेफ। ये जो मीटिंग विशेष करके डेफ लोगों को सिखाने की बात थी। सो देयरफॉर हेलन वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू अटेंड दिस मीटिंग। अकॉर्डिंग टू द सजेशन हेलन वेंट टू द राइट हैम्सन स्कूल फॉर द डेफ इन द न्यूयॉर्क सिटी। जैसा कि उसे सजेशन दिया गया था, हेलन वेंट टू राइट हैम्सन स्कूल फॉर द डेफ इन द न्यूयॉर्क सिटी। देयर शी लर्नड लिप रीडिंग अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट्स। लिप्स रीडिंग पढ़ने का भी उसे मौका मिलता है अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट्स। मिस रेमी टॉट हर जर्मन। इसके पिछले चैप्टर में हमने ध्यान से पढ़ा था कि उसमें वो फ्रेंच सीख रही थी, परंतु अब मिस रेमी के द्वारा जर्मन सीखा जा रहा था। हेलन फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन लर्निंग एट न्यू स्कूल। इसको बहुत परेशानी हो रही थी नई स्कूल में पढ़ने से, परंतु ये अपनी मेहनत छोड़ती नहीं है और शी कंटिन्यूज टू लर्न। हेलन ऑल्सो हैड टू बेयर द लॉस ऑफ हिज बेनिफिशियरी एंड फ्रेंड मिस्टर जॉन स्पॉल्डलिन इन 1896। हेलन को एक और बड़ा सा लॉस सहना पड़ जाता है जो कि मिस्टर जॉन स्पॉल्डलिंग थे। ये इसके बेनिफैक्टर यानी कि मददगार के साथ साथ एक फ्रेंड भी थे, इसको पूरी तरह से मदद करते थे। इस तरह से हमने इस चैप्टर 17 में देखा कि कैसे वो अमेरिकन एसोसिएशन ज्वाइन करती है, वहाँ से उसे राइट हैम्सन स्कूल भेजा जाता है और वहाँ से वो मिस रेमी के पास जाती है जहाँ जर्मन सीखती है, और अंततः उसे एक बहुत अच्छे दोस्त और बेनिफैक्टर का लॉस भी उसको सहना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा चैप्टर आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स।